यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे बांदा के ही मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्तार का इलाज मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में चल रहा है। हालांकि मुख्तार की तबीयत को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। दो दिन पहले ही मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर एक जेलर और दो डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया था। इससे पहले मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि उसे जेल में स्लो पॉइजन दिया गया है। 21 मार्च को जब बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में चर्चित एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी थी, तो उसके वकील ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि 19 मार्च की रात में उसे खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया है, जिसकी वजह से मुख्तार की तबीयत खराब हो गई। मुख्तार के मुताबिक उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हो रही थी। मुख्तार के वकील की तरफ से कहा गया था कि मुख्तार अंसारी का डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दे। मुख्तार का दावा था कि 40 दिन पहले भी उसे विषाक्त पदार्थ मिलाकर दिया गया था। मुख्तार अंसारी की तरफ से की गई शिकायत के बाद कोर्ट के आदेश पर मुख्तार के चेकअप के लिए दो डॉक्टरों के पैनल की टीम जेल पहुंची थी। इसमें एक फिजिशियन और एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल थे। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट कराया, वहीं रिपोर्ट आने पर कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी दी थी। डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को बताया कि रोजा रखने के चलते ऐसा हो रहा है। भूख के बाद अचानक ओवर फीडिंग की वजह से मुख्तार को दिक्कत हो रही है। जेल प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को भेजी गई। वहीं बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट ने मुख्तार अंसारी के स्लो पॉइजन देने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। प्रशासन ने बताया कि पहले एक सिपाही और फिर डिप्टी जेलर खाना खाता है, उसके बाद मुख्तार को ये खाना दिया जाता है। जेल के 900 बंदी भी यही खाना खाते हैं। ऐसे आरोप बेबुनियाद है। फिलहाल जेल प्रशासन, पुलिस और जिला प्रशासन मुख्तार अंसारी के मामले पर खास निगाह बनाए हुए हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।